दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आए हूं आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया की बड़ी अपडेट्स। धोनी का चेन्नई सुपर किंग्स को फटकार, एवी डिविलियर्स बने आरसीबी के मेंटर, टी20 वर्ल्ड कप रोमांचक मोड़ पर, ईशान किशन होंगे मुंबई इंडियंस से रिलीज, पंजाब किंग्स के टारगेट खिलाड़ी, कोलकाता नाइट राइडर्स पर बड़ी खबर और भी ढेर सारी अपडेट्स आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया जुड़े आपको बताने वाले हैं। और बस आपको आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और हमारी आईपीएल अपडेट सीरीज का 575वां वीडियो है। और ये देख पा रहे चैनल का ऐसा नहीं है तो बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, जहां पर आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा की रिटेंशन को लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ा कदम उठाया है और रविंद्र जडेजा की रिटेंशन के फैसले पर अपना सख्त रुख अपनाया है और चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट को यह क्लियर कर दिया है कि रविंद्र जडेजा को किसी भी तरह से रिटेन करना है। उन्हें रिलीज करने का ऑप्शन चेन्नई सुपर किंग्स के पास है ही नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, रविंद्र जडेजा टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट है और जिस तरह का इन्फ्लुएंस है रविंद्र जडेजा का टीम पर, उस तरह का कोई भी खिलाड़ी रिप्लिकेट नहीं कर सकता है, यह महेंद्र सिंह धोनी का कहना है। और धोनी के कहने पर मैनेजमेंट ने जडेजा से कॉन्टैक्ट किया है और मैनेजमेंट और जडेजा के बीच सब कुछ संबंध सही हो चुके हैं। अब तो यह कन्फर्म हो गया है कि रविंद्र जडेजा चाहकर भी चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ नहीं सकते। तो इस खबर के लिए एक लाइक तो बनता ही है। चलिए देखते अपना दूसरा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से, जहां पर हमने आपको कल ही बताया था कि एवी डिविलियर्स भारत में है और अभी कुछ वक्त रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मैनेजमेंट के साथ गुजारने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एवी डिविलियर्स चेन्नई स्वामी स्टेडियम में मौजूद हैं और वह वहां प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इसके साथ ही इस स्टेडियम में आने के पीछे उनका मकसद है अपनी यादों को ताजा करना, जब वह बैंगलोर की टीम से खेला करते थे। और इसका पूरा वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हालांकि अभी तक एवी डिविलियर्स का क्या रोल रहने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए यह तो क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि वह बैंगलोर की टीम को स्क्वाड बिल्ड करने में मदद करने वाले हैं आईपीएल के ऑक्शन के पहले। और अभी एवी डिविलियर्स भारत में रहेंगे, इसके साथ ही बहुत सारी खबरें एवी डिविलियर्स को लेकर आती रहेंगी। तो आप हमारे साथ बने रहें और यह खबरें आपको हम सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं अपना तीसरा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है मुंबई इंडियंस की तरफ से। दरअसल मुंबई इंडियंस की टीम ऑक्शन से पहले प्लानिंग कर रहे हैं कि ईशान किशन को रिलीज करके दोबारा से खरीद लें, क्योंकि पिछले साल ईशान किशन को इस टीम ने 15.5 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो कि उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा पैसे हैं। इस साल यदि यह टीम ईशान किशन को रिलीज कर देते हैं और फिर से खरीद लेते हैं 7 से 8 करोड़ रुपए में, यह टीम ईशान किशन को आराम से फिर से खरीद लेंगे और बचे हुए पैसों से यह टीम एक और क्वालिटी खिलाड़ी को खरीद सकते हैं। तो ऐसे में खबर आ रही है कि मुंबई इंडियंस की टीम ईशान किशन को रिलीज करके फिर से वापस ऑक्शन में खरीद लेंगे। वैसे क्या आप इस फैसले को लेकर सहमत हैं? क्योंकि हमारे मुताबिक तो यदि रिलीज किए जाएंगे ईशान किशन तो बहुत सारी टीमें उन्हें खरीदना चाहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते अपना चौथा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, जहां पर कुछ सोशल मीडिया हैंडल पर यह खबर आ रही है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट को लेकर कुछ नाम हमारे सामने आ रहे हैं। कुछ सोर्सेज की मानी जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आयरलैंड के विस्फोटक खिलाड़ी पॉल स्टर्लिंग को टारगेट करने वाले आईपीएल के ऑक्शन में। इसके साथ यह भी खबर आ रही है कि यह टीम गुजरात टाइटंस के द्वारा रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ी जेसन रॉय को भी टारगेट कर सकते हैं। और ऐसी भी खबर आ रही है कि यह टीम एरोन फिंच को रिलीज कर देंगे और उनके जाने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को एक विस्फोटक ओपनर की जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ ही अचिंक रहाणे को भी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम रिलीज कर ही दे रहे हैं। तो पॉल स्टर्लिंग या तो फिर जेसन रॉय में से कोई एक खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में आपको ऑक्शन के वक्त शामिल होते हुए दिख सकते हैं। तो इस तरह से आईपीएल 2023 में हमें कोलकाता में एक नया विस्फोटक ओपनर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं अपना पांचवां बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल 2023 के स्ट्रीमिंग को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है कि वायाकॉम 18 ने आईपीएल की मीडिया राइट को खरीदा हुआ है, जो जियो का कंपनी है। और वायाकॉम 18 जिनका मुख्य ऐप वूट है, उस पर स्पोर्ट्स कंटेंट दिया करता था, लेकिन अब वह वूट से स्पोर्ट्स कंटेंट हटकर जियो सिनेमा पर आने वाला है। और जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 का, वह वूट की जगह पर जियो सिनेमा पर आएगा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा चांस है कि आईपीएल 2023 भी हमें जियो सिनेमा पर देखने को मिल सकता है। और यदि जियो सिनेमा पर आईपीएल देखने को मिलता है तो फिर यह पूरी तरह से फ्री होगा। वहीं वायाकॉम 18 ने यह भी पहले बता दिया था कि आईपीएल के लिए वह एक नया ऐप लॉन्च करने वाले हैं, तो उस ऐप पर भी आईपीएल चल सकता है। इसके साथ ही जियो सिनेमा पर भी आप आईपीएल का मजा ले सकते हैं। तो यह आईपीएल के फैंस के लिए एक बड़ी खबर है, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। चलिए देखते हैं अपना छठा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है पंजाब किंग्स की तरफ से, जहां पर पंजाब किंग्स आईपीएल 2023 के पहले अपने आप को पूरी तरह से रिवैम्प कर रहे हैं और हर कुछ बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जहां पर सबसे पहले उन्होंने अपना कोच बदला था, उसके बाद फिर अपना कप्तान भी बदल लिया, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, हर कुछ बदला है। इसके साथ ही अब खबर आ रही है कि वह अपना बॉलिंग कोच भी बदल रहे हैं। कार्ल केनेथ पंजाब किंग्स के लिए नए बॉलिंग कोच बनने वाले हैं। मिलाजुलाकर पंजाब किंग्स की टीम सब पोस्ट को चेंज कर चुके हैं, सिर्फ एक ही बचे हुए हैं और वह इस टीम के फिजियो, जिनका
नाम है एंड्रू लीप्स। तो पंजाब किंग्स हर साल अपनी टीम में, अपने स्क्वाड में, अपने मैनेजमेंट में बदलाव करते रहते हैं और उन्हें अभी तक कोई परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिला है जो यह सुनिश्चित करा सके कि वह ट्रॉफी जीतें और अच्छा प्रदर्शन करें आईपीएल में। मेरे हिसाब से तो पंजाब को एक तगड़ा स्क्वाड बिल्ड करना चाहिए, उसके बाद 2-3 साल उसी स्क्वाड को मौका देना चाहिए, तब कहीं ना कहीं पंजाब अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अपना 7वां बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है T20 वर्ल्ड कप को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप अपने फाइनल दौर पर पहुंचने वाला है और अभी तक सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम ही कंफर्म तरीके से सेमीफाइनल में पहुंचे हैं ग्रुप 1 से। इसके साथ ही श्रीलंका, आयरलैंड, अफगानिस्तान बाहर हो चुके हैं। वहीं ग्रुप 2 बहुत ज्यादा टाइट है, जहां पर सिर्फ नीदरलैंड एलिमिनेट हुए हैं और सभी के क्वालिफिकेशन के चांस बने हुए हैं। और अभी जो बचे हुए 2 दिन है सुपर 12 के मुकाबलों के, तो जब तक वह सभी मुकाबले नहीं हो जाते हैं तब तक बाकी की 3 टीम कौन रहेंगे सेमीफाइनल में जाने वाले अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि ग्रुप 2 में भारत का चांस बहुत ही ज्यादा है यदि वह जिम्बाब्वे को हरा देते हैं तो। इसके साथ ही आप स्क्रीन पर पूरा पॉइंट टेबल देख सकते हैं और पूरा समीकरण आपको हम लगातार अपने टेलीग्राम चैनल पर देते रहते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए हम अलग से अपडेट सीरीज नहीं ला पाए क्योंकि हमारे पास समय नहीं था और बहुत सारा त्यौहार वगैरह था, लेकिन हम सब कुछ अपने टेलीग्राम चैनल पर कवर करते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं अपना 8वां बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स का खिलाड़ी आंद्रे रसल की तरफ से, जहां पर आपको बता दें कि आंद्रे रसल हमें इस साल के बिग बैश लीग में खेलते हुए दिखने वाले हैं। दिसंबर जनवरी के महीने में चलने वाला बिग बैश लीग का यह हिस्सा रहने वाले हैं और कल ही बिग बैश लीग के लिए मेलबर्न रेनेगेड्स ने आंद्रे रसल को साइन कर लिया, जिसकी ऑफिशियल तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। यह वही टीम है जिसमें एरन फिंच भी खेलते हैं और आंद्रे रसल इसके साथ ही वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के साथ यही दिक्कत है कि वह अपने देश को छोड़कर हर एक लीग में खेलते हैं। हाल फिलहाल में ही जो वेस्ट इंडीज का परफॉर्मेंस था T20 वर्ल्ड कप में इतना ज्यादा बेकार था, जहां पर वह सुपर 12 से पहले ही बाहर हो गए थे और उस टीम में आंद्रे रसल नहीं खेल रहे थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज विराट कोहली का जन्मदिन है और विराट कोहली के जन्मदिन पर उन्हें बधाई जरूर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों यह थे आज के आईपीएल और क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बड़े अपडेट्स। इस तरह की अपडेट्स हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जरूर ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।